हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एक सनग्लासेस का जो है पूरा एड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक कोई रियल कैंपेन नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए हम ये वीडियो बनाया है कि कैसे अगर आपको आउटडोर में सनग्लास शूट करना है तो आप किस तरह से उसे शूट कर सकते हैं। सो आज के जो हमारे मॉडल हैं, एक बार फिर रिकी मैन हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं कि काफ़ी हैंडसम लग रहा है रिकी और बहुत अच्छी उन्होंने टी शर्ट पहनी है। वाइट कलर मैंने इसलिए लिया है इसमें ताकि ये जो सनग्लास है इनका, ये वाइट और जो डार्क ब्राउन कलर का, ये थोड़ा अच्छे से इनके आउटफिट के साथ जाए। और हम आउटडोर लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर या डेप्थ ऑफ फील्ड हमें अच्छी मिले ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से नज़र आए। तो जो आज का सब्जेक्ट है वो सनग्लास है। तो जब भी आप सनग्लास या कोई भी प्रोडक्ट की शूट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो प्रोडक्ट है वो मेन चीज़ है आपकी और बाकी की चीज़ें सारी आपकी सपोर्ट में होती है। जैसे कि मॉडल जो है हमारा, ये इसको सपोर्ट करेगा। सो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है सनग्लास, और जब मॉडल इस सनग्लास को पहनता है तो फिर हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम कुछ ऐसे एंगल्स, हमें कंपोजिशन हमारी या कुछ एंगल्स हमें इस तरह से शूट कर रहे हैं ताकि जो हमारा सनग्लास है वो अच्छे से हाईलाइट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तीनों सनग्लास को हम शूट करेंगे, फिर एंड में आपको रिजल्ट दिखाएंगे, आपको पता चलेगा कि फाइनल जो हमने रिजल्ट्स किस तरह के अचीव किए हैं इस एड कैंपेन के। तो देखिए प्लीज़ ये सनग्लास आप पहनिए थोड़ा सा और एक लुक जरा आप कैमरा में दीजिए, आप कैसे लग रहे हैं। आई होप रिकी इज़ लुकिंग वेरी डैशिंग। और चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं हम शूट के लिए अब तैयार हैं। अब हमको सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारी जो लाइटिंग है वो हमें एकदम परफेक्ट मिलनी चाहिए। तो मैंने रिकी को जो प्लेस किया है बिल्कुल नेचुरल लाइट पर प्लेस किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें सन, जो आधा फेस है हमारे ब्यूटीफुल, आपको एक सन लाइट मिल रही है जिससे कि हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी हाईलाइट्स मिल रही है और यहाँ हमें जो है काफ़ी अच्छी शेडोज मिल रही हैं। तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा जब आप फैशन फोटोग्राफी करते हैं, आप कोई भी कैंपेन शूट करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन योर आइडियाज़ ताकि आपकी जो इमेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको इमेजेस आप क्रिएट कर सकें। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने रिकी को यहाँ पे प्लेस किया है। सीधी सनलाइट मुझे वहाँ से मिल रही है। तो चलिए मैं अब थोड़ा सा एक बाउंस ऐड करूँगा यहाँ पे हल्का सा फेस पे और कोशिश करेंगे कि हम सनग्लास को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाएँ। तो चलिए मैं लेता हूँ अपना पहला शॉट। देखिए आप थोड़ा स्ट्रेट देखिए सामने, ब्यूटीफुल। ये मैंने फोकस लॉक किया है और मैं तकरीबन इसको हेड शॉट के स्क्रीन ले रहा हूँ और बैकग्राउंड मैंने देखा। इट्स अ ब्यूटिफुल इमेज फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें लाइट भी कितनी अच्छी मिली है और रिकी जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारा जो प्रोडक्ट है सनग्लास वो हमें काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है। अभी एक और शॉट लेंगे रिकी, लुक अप। रिकी लुक गए, चिन डाउन, चिन डाउन रिकी, वेरी नाइस। रिकी लुक 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 है, नाइस लुक है। ब्यूटीफुल चिना, या ब्यूटीफुल, होल्ड इट होल्ड इट। चलिए अब हम जो है फ्रेंड्स दूसरा सनग्लास यूज़ करते हैं और देखते हैं कि रिकी उस लुक में कैसा लगता है दूसरे सनग्लास के रूप में। तो चलिए अब रिकी को हमने सेकंड चेंज लिया है, अब जो इन्होंने फुल स्लीव की वाइट टी शर्ट डाली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का इन्होंने अभी जो है सनग्लास डाला हुआ है और ये इनका एक मैंने तो प्लेस इनको बताया है। तो अब रिकी को हम पोजिशन देते हैं जहाँ पर उन्हें खड़ा होना है और फिर अब इस सनग्लास में हम कुछ इमेजेस शूट करेंगे और आपको दिखाते हैं कि ये जो है अब नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है यानी कि ब्लू वाले जो शेड्स हैं ये किस तरह के अचीव कर पाते हैं। तो अब जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मुझे प्रोडक्ट शूट करना है जिसमें रिकी जो है वो तो अच्छा लगना ही चाहिए लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए। सो आई विल ट्राई टू शूट मोर क्लोजअप शॉट्स और कोशिश करूँगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे थोड़ी अच्छी मिले पीछे। तो आप देख सकते हैं कि रिकी यहाँ अभी खड़े हुए हैं। ये मैंने अभी जो है मेरे असिस्टेंट को बोला है लाइट ब्लॉक करने की, क्योंकि सन वहाँ पर है तो अगर सनलाइट मेरे लेंस में आएगी तो यहाँ लेंस फ्लेयर जो है फ्लेयर आने के चांस होते हैं जो कि हमारी इमेज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने रिकी को इसलिए भी खड़ा किया कि जो सनलाइट है वो इस साइड उनके हेयर पे पड़ रही, जब आप शॉट देखेंगे तो वो आपको लाइट दिखाई भी देगी किस तरह से उनका जो वन साइड है वो एकदम उनके जो हेयर एकदम गोल्डन नज़र आ रहे हैं। तो चलिए मैं शॉट ले रहा हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। रिकी जनाब लुक देयर, यस लुक देयर,
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शॉट, वन मोर ब्यूटीफुल, वन मोर, यस लुक देयर, लुक दिस वे, यस वेरी नाइस, रीच एंड डाउन, थोड़ा चेक डाउन रखो रिकी, ये मैंने कुछ वर्टिकल शॉट्स लिए हैं, नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम हॉरिजॉन्टल शॉट्स, फाइंड रिकी चिन अप, डोंट लुक इट इन द लेंस, लुक देयर दिस वे, या होल्ड इट होल्ड इट, डोंट मूव, दिस इज ऑसम, वन मोर ब्यूटीफुल, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा शॉट हमें मिला है, ब्यूटीफुल. So these are couple of shots which I have taken with the Ricky and I hope आपको ये pictures पसंद आ रही होंगी. और जल्दी से अब हम जो last sunglass है वो भी हम use करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि तीनों shades जो हैं हमें कितने अच्छे variations के साथ में मिले हैं. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने चुनकर थर्ड लुक लिया है. यहाँ पे हमने इसका व्हाइट टॉवल यूज किया है, बॉडी को थोड़ा नेकेड रखा है ताकि जो इसका ब्राउन कलर है और बॉडी कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके, और जो वाइट कलर है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हमें उसमें मिल रहा है. तो आपने देखा भी इमेजेस हमने सब शूट किए तीन सनग्लासेस के साथ, तो मैं अब आपको फाइनल इमेजेस दिखाता हूँ जो भी हमने शूट की है, तो प्लीज़ हैव अ लुक. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. उसके बाद आपको एक सब्सक्राइब नाउ के बटन प्रेस करने के बाद आपको बेल आइकन नजर आएगा, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो रिलीज हो तो आपको पता चल सके कि आज हमारा नया वीडियो रिलीज हुआ है.